हेलो स्टूडेंट, सुपर एजुकेशन इंग्लिश स्कूल की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो, ये क्लास एट का मैथ है और एक्सरसाइज 3.2 है। ये चैप्टर हम 2-3 रोज भी पढ़ा चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत टाइप का है, इसलिए मुझे फिर एक क्वेश्चन 24 नंबर पढ़ाना पड़ रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 नंबर बताया था और कहा 21-22-23 बनाने को, 24 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन को खूब सावधानी पूर्वक पढ़िए। मैथ का क्वेश्चन अगर पढ़ के आप समझ जाते हैं तो आपसे बन जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 7 गुनी थी। छोटा तो पुत्र होता है, इसलिए हम पुत्र की आयु मानेंगे। माना कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु एक्स वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व था ये, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र के उम्र माना गया, पिता का भी मानना होगा। तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, मतलब उसके पिता की आयु, व्यक्ति की आयु 7 गुनी थी, अर्थात 7x वर्ष। अब देखिए, ये तो पहले की उम्र है, अब हमको वर्तमान उम्र निकालना है। 5 वर्ष ये बाद था। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, 5 वर्ष नहीं लिख के, लिख देंगे कि उसकी वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु और व्यक्ति की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जानते हैं कितना होगा। जैसे सपोज दैट 5 वर्ष पहले मान लिया जाए कि 5 वर्ष पहले हम 25 वर्ष के थे, तो अब तो 30 वर्ष के हो गए होंगे, क्योंकि 5 वर्ष बढ़ गया हमारा उम्र। तो इसमें भी 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ना है। जैसे x+5 ये पुत्र की है और व्यक्ति की वर्तमान आयु होगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो आपका 7x था, 7x+5 होगा, 7x+5 ये आपका वर्तमान उम्र दोनों का हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष के बाद, तो दोनों में 5-5 जोड़ना है। ये पिता का है 7x+5, ये पुत्र का है x+5। प्रश्न में 5 वर्ष बाद कहता है, मतलब 5-5 फिर जोड़ देंगे। लड़का का उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है लड़के की आयु से 3 गुनी होगी, 3 से गुणा, 7x 50 25, 5 5 10 जोड़ना है, 5 5 10। देखिए, एक्स तीन उतर गया, एक्स और 5 5 10, 7x+10 कोष्टूर्ध जे 3 से x में 3x और 3 से 10 में 30। या अब x वाले की एक साइड 7x, ये प्लस में चला जाएगा, माइनस में हो गया 3x, 30, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो गया, 7x में से 3x घट गया 4x, और 30 में से 10 घट गया 20, इसलिए x=20 और बाटा में आ गया 4 5 20, 5 हो गया x के मान। हमको निकालना है वर्तमान आयु। कहता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तब पुत्र की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु था x प्लस पांच, x का मान आया है पांच, तो x की जगह लिख दिया पांच, आइए पांच, तो पांच पांच दस वर्ष हुआ। अब उस व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखिए व्यक्ति की वर्तमान आयु है 7x+5, तो 7 × x, x के मान 5, आप 5, 7 × 5 = 35, आप +5 = 40, यही हमारा आंसर हुआ। लड़का जो है 10 वर्ष का है और उसका पिता जो है वो 40 वर्ष का है, इस तरह 10 और 40 आंसर हो जाएंगे। आप 25, 26, 27 घर पर बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको 28 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फिर उसका प्रारूप बदल रहा है, क्षेत्रफल संबंधी सवाल आएंगे। घर पर आप बनाइए। धन्यवाद।